क्वेश्चन का लेवल पता चलता है। हाँ, इस टॉपिक से यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मतलब पेपर देने से तो बहुत फ़ायदा होता है। बाकी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, जैसे भारत से रिलेटेड पूछा गया था, अशांत देशांतर से रिलेटेड, और बकायदा बाकी करंट भी ठीक ठाक था, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं, मॉडरेट था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन थे, इसलिए आगे जैसे माइनस मार्किंग है इसलिए आगे बढ़ने के लिए हिम्मत ही नहीं। मतलब ये होता है कि माइनस मार्किंग होती है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करने में ये होता है कि स्कोर भी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से मैंने मतलब आज तक मैं जितना टेस्ट सीरीज देता हूँ क्वेश्चन उसमें ज़्यादा अटेंड करता हूँ। नहीं थे या फिर ठीक ठाक थे? नहीं सर, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कुछ नए क्वेश्चन भी थे और रिपीटेड तो बहुत कम ही, मतलब बहुत कम रिपीटेड थे। कितना टाइम आप लोगों को दिया गया अंदर करने के लिए? सर करंट का भी अच्छा बनाया, सारा पेपर अच्छा। आपने UPSC और UPPSC दोनों का दिया था? नहीं, मैंने केवल UPPCS दिया। जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली घटना चक्र के आसपास ही घूमते हैं, उनके क्वेश्चन कम थे, बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, पॉलिटी के अच्छे खासे थे और ज्योग्राफी के भी अच्छे थे, ओवरऑल पेपर ठीक था। वे वाला भी दिया था आपने, UPSC दिया था दोनों का, और इसका क्या अनुभव रहा लास्ट में ये बता दीजिए? दोनों पेपर बढ़िया था और काफ़ी अच्छा था दोनों पेपर। दोस्तों मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल मुखर्जी नगर के, हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे ये एक बैनर लगा हुआ है नोटबुक IAS का, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है इनका 19 मार्च 2023 से। ये UPSC और UPPSC और BPSC मेंस के लिए था। UPSC का सुबह हो चुका है दोस्तों और यहाँ पे भी लिखा है कि कैश प्राइज भी आपको मिलेगा। UPPSC का भी चल रहा है अंदर, अभी स्टूडेंट दे करके निकलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन थे और कितने घंटे चले। अभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ बाहर आएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का उनका अनुभव रहा। और ये बिल्कुल फ्री था नोटबुक IAS की तरफ से, ये बिल्कुल फ्री था। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट निकल रहे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा किस तरीके का अनुभव रहा और कितने क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चन वो कर करके आए हैं, आपसे जानना चाहूँगा। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार राठौर है। आपका नाम भी शिवम, मेरा भी। अच्छा ये बताइए, UPPSC का भी टेस्ट दे करके आइए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो अच्छा था। और कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए? मैंने 60-70, ज़्यादा मैंने नहीं किया है, बट अच्छा था लेवल। टोटल कितने क्वेश्चन थे इसमें? टोटल 150। आसान थे या फिर ज़्यादा टफ थे? आसान तो नहीं थे और ना ही ज़्यादा टफ थे, लेकिन सबके अपने अपने अकॉर्डिंग सही था। मेरे UPSC का आपने कोई अटेम्प्ट पहले दिया है? नहीं, मैंने पहले नहीं दिया है। ये बताइए कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए गए नोटबुक IAS की तरफ से? नहीं कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री था। हाँ फ्री था। अंदर जो स्टाफ था आपके साथ मतलब अच्छे से कोऑपरेट किया या नहीं? हाँ बिल्कुल। कब आपने रजिस्ट्रेशन किया था और कहाँ से पता चला था नोटबुक IAS के बारे में? मैं एक्चुअली जिस लाइब्रेरी में करता था उसी से मुझे पता चला था। दोस्तों इनसे जानने की कोशिश करूँगा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमन सिंह है। कितने बजे आप यहाँ पे आए थे UPPSC का टेस्ट देने? मैं देने आया था यहाँ पे 3 बजे के आसपास। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, जिस तरीके का आप लोगों को चाहिए उस तरीके का था? लेवल ठीक ठाक था, बाकी कुछ क्वेश्चन जो थे घटना चक्र के कम थे, जो कि होने चाहिए क्योंकि UPPCS जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली घटना चक्र के आसपास ही घूमते हैं, उनके क्वेश्चन कम थे, बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, पॉलिटी के अच्छे खासे थे और ज्योग्राफी के भी अच्छे थे, ओवरऑल पेपर ठीक था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने लगभग करे हैं 125 के आसपास अटेम्प्ट। इस तरीके के टेस्ट क्या स्टूडेंट को देते रहने चाहिए, इससे फ़ायदा होता है या नहीं? बिल्कुल देने चाहिए क्योंकि इससे ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि जो प्री का एग्ज़ाम है वो मेनली नॉलेज बेस्ड तो है ही, उसके साथ साथ स्किल बेस्ड भी है कि आप 150 में से कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार 150 के 150 अटैम्प्ट करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है प्री में, और कुछ लोग 100-120 भी अटैम्प्ट कर जाते हैं फिर भी उनका हो जाता है, तो टेस्ट तो देने चाहिए बिल्कुल। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह UPSC या फिर UPPSC का दिया? जी मैंने इससे पहले ये 2022 वाला मैंने दिया है, और उसमें वही जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ हुआ कि सी सेट के कारण मैं भी फेल कर गया, तो इसलिए अब ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट। पूरी तैयारी 28 मई की है? 14 मई की है। 28 मई को UPSC है, UPPCS 14 मई को है। दोनों की पूरी तैयारी है? सिर्फ UPPCS की, UPSC नहीं देना। UPSC क्यों नहीं दे रहे हैं? UPSC अभी के लिए नहीं देना क्योंकि
मुझे लगता है UPPCS दे के पहले एक जॉब सिक्योर कर लेंगे ठीक है, कंपेयर करें अगर UPSC से। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। रविंद्र कुमार मिश्रा। कितने बजे आप देने आए थे मिश्रा जी? सर 3 बजे से था, मैं 3 बजे आ गया था। कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, कैसे अनुभव रहा, क्वेश्चन ठीक ठाक थे? हमें क्वेश्चन ठीक ठीक बढ़िया थे, मैं मॉडरेट टू मतलब इजी टू मॉडरेट थे। इससे पहले आपने कोई और टेस्ट वगैरह या फिर अटैम्प्ट वगैरह UPSC UPPCS का दिया? यस सर, जो है मतलब मेंस दिया हुआ है, 2 बार मैंने मेंस दिया हुआ है। 2 बार UPPCS का मेंस दिया हुआ है, तो आपको जब आपने क्वेश्चन पेपर हाथ में पकड़ा होगा तुरंत पता चल गया होगा कि उस लेवल का है या नहीं। क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं थे या फिर नए थे या फिर ठीक ठाक थे? नहीं सर, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कुछ नए क्वेश्चन भी थे और रिपीटेड तो बहुत कम ही, मतलब बहुत कम रिपीटेड थे। कितना टाइम आप लोगों को दिया गया अंदर करने के लिए? सर टाइम तो पूरा ही दिया गया और जो है 3 मतलब फुल टाइम था और 10 मिनट पहले हो गया हमारा। इस बार फिर आप प्रीलिम्स देंगे कि 28 मई? यस सर 28 मई को देंगे। 14 मई को भी देंगे UPPSC वाला? UPPSC भी। नई स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, कुछ आपसे पैसे वगैरह तो नहीं लिए गए नोटबुक? ना सर, पैसे वैसे नहीं लिए गए, निःशुल्क था जो है, इस पर किसी प्रकार का पैसा वैसा नहीं लिया गया। इस तरीके के टेस्ट देते रहने चाहिए स्टूडेंट को, कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं? टेस्ट देना चाहिए सर, टेस्ट देने से ही तो आदमी को अपनी कमजोरी और मजबूती का पता चलता है। टेस्ट देना चाहिए और इससे जो है आदमी की कमियां पता चलती हैं कि क्या उसमें कमी रह गई और उस पर आदमी काम करके और बेहतर बन सकता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। यहाँ पे दोस्त हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ, ये चाय पी रहे थे, क्या नाम है आपका? हाँ नीरज पांडे। कितने बजे आप आए थे यहाँ पे? 3 बजे। करेक्ट 3 बजे पहुँच गए थे। हाँ अच्छा, सबसे पहले ये बताइए नोट टू का ISने कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया आपसे टेस्ट का? नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं। कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का था, जिस तरीके का आप लोगों के लिए होना चाहिए क्या उस तरीके का आपको लगा? हाँ क्वेश्चन का लेवल तो ठीक था और लगभग ठीक क्वेश्चन भी हुए 70-80 की तस्वीर। 80 करके आए हैं आप? हाँ लगभग। लग रहा है जो प्राइज इन्होंने लिखा हुआ है 5101 रुपये आपके पास आ पाएगा फिर तो, आपने ही सबसे ज़्यादा बताया कि 80 करके आए। हाँ अगर सही होंगे, लगभग सही है तो आने चाहिए। कितने घंटे अंदर आपने बैठ करके किया है? समय लग गए, पूरे समय लग गया। हाँ। बहुत सारे फ्रेंड शायद पहले भी करके चले गए हैं। हाँ लेकिन मेरे तो पूरे समय लगे। कहाँ कहाँ से तैयारी करके आए थे आप? तैयारी तो यहीं हुई। ये आपने अभी कोई UPSC या फिर UPPCS का अटैम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं नहीं, अब देने वाले हैं। हाँ एक और दोस्त अभी आए हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? अनुभव पांडे। पांडे जी किस तरीके के क्वेश्चन थे? मैं सब बच्चों से यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्या नोटबुक IAS ने क्वेश्चन का लेवल एकदम सही बनाया था आप लोगों के लिए? हाँ लोगों जहाँ तक था ठीक ही था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 95। ये सबसे हाईएस्ट वाले अभी हमें मिले, लग रहा है आपके पास ही प्राइज जाने वाला है 5101 रुपये। ठीक है अपने हिसाब से सही करें, 95 तक करें, उसके बाद देखिए क्या होता है। क्वेश्चन रिपीटेड थे या फिर पुराने थे या फिर नए आए? थोड़ा और पुराने थे और मतलब कि UPSC की कैटेगरी के, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया और फिर इसके बाद उप सौर अप सौर के जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था पिछले ईयर से जो और आया था उससे मैचिंग करते हुए। अभी आपने UPSC या फिर पहला देंगे? हाँ। कैसा अनुभव रहा अंदर आके, कैसी फीलिंग आई कि अब जा करके कर देंगे? थोड़ा बहुत सुधार करना है, बाकी अब अटेम्प्ट कर देंगे तब देखेंगे। चाय पीजिए। यहाँ पे कुछ दोस्त और हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद प्रताप सिंह है। आपने भी ये टेस्ट दिया है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का था? सब बच्चों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी थो पेपर था, मतलब कि थोड़ा मतलब हार्ड पेपर था, UPPCS के लेवल से थोड़ा ऊपर था पेपर का, मतलब पेपर ठीक था, अच्छा पेपर था। जैसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने लगभग 110 क्वेश्चन किए हैं। 110 आप करके आए हैं, आप ही सबसे हाईएस्ट यहाँ पे बता रहे हैं, लग रहा है आपके पास ही जाएगा। मतलब जानते हैं PCS में क्वेश्चन करने का अटेंड मतलब ये होता है कि माइनस मार्किंग होती है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करने में ये होता है कि स्कोर भी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से मैंने मतलब आज तक मैं जितना टेस्ट देता हूँ क्वेश्चन उसमें ज़्यादा ही अटेंड करता हूँ और मेरा इसका पॉजिटिव अप्रोच भी रहा, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट भी मेरे में आता है, क्वेश्चन भी मतलब कि मेरा मार्क्स भी अच्छे आते हैं। जैसे मैं अगर मतलब आज यहाँ मैं 110 मतलब अटेम्प्ट मारा हूँ, लगभग 100 या 120 में मैं हूँ। अगर मैं कोई और पेपर दिया मतलब स्टेशनरी दिया होता तो मैं लगभग 130 मारा होता क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन था नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन था ही नहीं, सारे क्वेश्चन मतलब समझ में मतलब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पेपर अच्छे थे, थोड़ा यूपीएससी का क्वेश्चन भी कुछ थे उसमें, रिपीटेड क्वेश्चन थे, ये सारी चीज़ें थी। नोटबुक का आईएएस ने आपसे कुछ पैसे तो नहीं लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह? नहीं नहीं यार, नोटबुक ऐसा कुछ नहीं था, फ्री में रजिस्ट्रेशन था और मतलब काफ़ी हेल्पिंग नेचर भी इन लोग का है। हम लोग के लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन कराया, इसके बाद फिर यहाँ के हम लोग एग्जाम देना, एक अनुभव मिला, अच्छा मिला, अच्छा लगा। थैंक यू। अभी कुछ और स्टूडेंट भी दे करके निकल रहे हैं, उधर जो दोस्त खड़े हैं उनसे हमने सुबह बात की थी यूपीएससी का, जब उन्होंने टेस्ट दिया था। बाकी का जब अभी आएंगे इधर मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। वैसे हमने कई स्टूडेंट से बात की है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चाय का भी इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है, शायद ऐसा कोई नहीं करता है। तो अब जो आएंगे मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आ जाइए दोस्त, आइए आइए, ये आ गए हैं, ब्लैक कैप लगाया हुआ है, क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद जी, आनंद आया है यानी टेस्ट दे के? बहुत। कितना कह सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए कितना हो सकता है? आपके लिए जो क्वेश्चन बनाए गए आप लोगों के लिए, क्या लेवल उस तरीके का था जिस तरीके से आप लोगों के लिए होना चाहिए? कह सकते बढ़िया था, पेपर काफ़ी था टफ, तो कह सकते अच्छा था काफ़ी। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए आप? मैंने अटैम्प्ट किए 60-70 के आसपास। अंदर बैठने का एक अलग ही अनुभव रहता है, ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो क्या ऐसा फील हो रहा था? काफ़ी था, एग्ज़ाम जैसा सब फील हो रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, ऐसा तो नहीं? डर कह सकते, तो डर तो नहीं लग रहा था, पढ़े होते तो डर लगेगा। आपका वे वाला भी दिया था आपने, यूपीएससी दिया था? दोनों का और इसका क्या अनुभव रहा, लास्ट में ये बता दीजिए। दोनों में, दोनों पेपर बढ़िया था और काफ़ी अच्छा था, दोनों पेपर क्या कह सकता हूँ, बढ़िया था पेपर, मस्त। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बताइए आप अभी टेस्ट देकर के आए हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव हुआ और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हुए थे और सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जैसे वर्तमान समय में जैसे यूपी पीसीएस या यूपीएससी जो चेंज कर रहा है उस अनुसार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे, देख के बहुत खुशी हुई, पढ़ के भी सीरियसनेस थोड़ा जब बैठते समय या सोचने पर मजबूर क्वेश्चन कर दे रहे हैं और वर्तमान समय में क्वेश्चन ऐसे ही परिवर्तित हो रहे हैं। आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं अभी? हम लगभग यूपी में 2015-16 से हम लगातार दे रहे हैं यूपी पी सी। ये वाला भी देंगे 14 मई वाला? या कितने क्वेश्चन आपने आज अटैम्प्ट किए हैं? हम नियर अबाउट 106-107 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए आगे जैसे माइनस मार्किंग है इसलिए आगे बढ़ने के लिए हिम्मत ही नहीं जैसे होता है। कह रहे कि स्माइल बता रही है कि लगता है आप सबसे ज़्यादा करके आए हैं, कैश प्राइज आपके पास ही जाने वाला है? उम्मीद करते हैं बट यह कंपटीशन है, पहले से वो नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरव कुमार है। अच्छा ये बताइए कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं? 125 के आसपास किया मैंने। लग रहा है कैश प्राइज आपके पास ही जाने वाला है फिर तो, आपने ही सबसे ज़्यादा बताया। ऐसा तो नहीं कह सकते लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह वाला भी दिया था आपने? जी यस। तो दोनों का मिला के क्या अनुभव रहा, सुबह वाला और ये वाला? कुल मिला के अच्छा था, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, अच्छे क्वेश्चन थे। नोटबुक आईएएस ने 19 मार्च से अपनी ये शुरुआत की है, क्या ये सही है, सही डायरेक्शन में स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी के टाइम में जो मतलब ट्रेंड चल रहा है, मतलब टेस्ट लोगों का, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में, तो अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे और आई थिंक आपने इनको कैरी ऑन करना चाहिए आगे भी, ऐसे इनिशिएटिव से सब कुछ अच्छा होगा, स्टूडेंट्स भी मतलब मोटिवेट होंगे और क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपके दोस्त नहीं है? Yes. क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य प्रकाश हुआ। आपने भी दोनों ही दिए हैं? हाँ, मैं तो दोनों ये टेस्ट आज वाला दिया मैंने। दोनों का क्या अनुभव रहा आप ये बताइए? अनुभव तो ठीक ही रहा, मतलब ओवरऑल, लेकिन मुझे ज़्यादा यूपीएससी वाला क्वेश्चन अच्छा लगा और बाकी सब बढ़िया लगा। दोस्त मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, आप भी देख करके आए हैं दोस्त? हाँ। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा और अच्छा पेपर भी बनाया है, एक लेवल है, लेकिन ये है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी कहीं दे दिए हैं आपने, वो ठीक नहीं था, बाकी का पेपर बहुत अच्छा, करंट का भी अच्छा बनाया, सारा सारा पेपर अच्छा। आपने यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का दिया था? नहीं, मैंने केवल यूपीपीसीएस दिया। रवि जी कैसा अनुभव रहा? बढ़िया पेपर है, पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी ईजी थे और बाकी करंट के कुछ चीज़ थे, इन्वायरमेंट में कुछ फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा थी और बाकी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, जैसे भारत से रिलेटेड पूछा गया था, अशांत देशांतर से रिलेटेड और बाकायदा, बाकी करंट भी ठीक ठाक था, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं, मॉडरेट था और बाकी कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल चीज़ें थे तो उसके लिए थोड़ा करना था।
बकायदा सही था। आपने दोनों दिए थे यूपीएससी और यूपीपीसी? नहीं, मेरा तो लेट आया था, सिर्फ यही दिया था यूपीपीसीएस का। 14 मई को देंगे यूपीपीसीएस? यूपीपीसीएस भी है और यूपीएससी का भी 28 मई को। ऐसा लग रहा था कि बैठ के उसी में ही बैठे हैं प्रीलिम्स? हाँ, अच्छा लग रहा है। जीएस के बाकी सी सेट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सी सेट तो मेरा मैथ ही ऑप्शनल है, बाकी इसकी प्रिपरेशन चल रही है। बाकी इसका 28 मई को यूपीएससी के दे रहे हैं, तो जीएस का थोड़ा और रिवीजन करना, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे पीटी आती भी। ऑप्शनल मैथ है, बहुत सारे लोग तो मैथ से डरते हैं, कहते हैं बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, आपने ले लिया? शुरू से ही मैथ मेरा फेवरेट रहा टॉपिक था। 10th में मेरे 100 नंबर थे और 12th में मेरे 98 थे। तो कौन सा चैप्टर आपका फेवरेट है मैथ में? मैथ में तो ये सारे चैप्टर, अभी किसकी बात करें, 10th में तो जैसे 10th और 12th की, उसमें तो 10th 12th में परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब थी, और बाकी जैसे अलजेब्रा भी अच्छा है और ज्योमेट्री खासतौर पर ट्रिग्नोमेट्री भी उनको अच्छा लगता है, बाकी और भी चीज़ें हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वाला? हाँ, हाइट डिस्टेंस है उसमें तो काफ़ी और मज़ा आता है। एलिमिनेशन टेक्निक जैसे एंगल से कोई चीज़ फेंकी जा रही है बॉल पर, तो वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी आपके बेसिक क्लियर हो ना तो आपके क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है आपको। थैंक यू भैया। इधर कुछ और भी स्टूडेंट हैं, एक ये भी है, उनसे भी बात करूँगा। आपका नाम क्या है? नाम है राजू कुमार। कितने क्वेश्चन करके आए हैं आप? वो तो काउंट नहीं किया हूँ भैया, काउंट नहीं, फिर भी अंदाजा एक मोटा मोटा। मैं काउंट नहीं, जो आ रहा था उसको बनाते गया, बस मैं 140 तक क्वेश्चन देख पाया। आपके लाइक क्वेश्चन थे जिस लेवल से? क्वेश्चन थे ठीक, अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अनोन थे ठीक है, सब क्वेश्चन सही थे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके के आपसे पूछने जाने चाहिए, जिस लेवल के होने चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़ा संघर्ष करते हैं, रिपीटेड तो नहीं थे कहीं? नहीं नहीं, वैसे नहीं, अच्छे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सेटिंग सही थे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आपने भी दिया है, आपका नाम क्या है? दिए हैं और पेपर देने में अच्छा भी लगा है, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था और अच्छा लगा है पेपर दे के। थोड़ा समय का कम हो गया था, क्वेश्चन छूट गए हैं, लेकिन समय क्वेश्चन बहुत अच्छे थे सर, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे सर। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? 5। बाकी के छूट गए जी? बाकी के छूट गए, छूट गए हैं, समय के अभाव में छूट गए हैं। नहीं तो क्वेश्चन हम देखे हैं बाद में, पेपर देने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो हमसे हो सकते थे, छूट गए हैं वो। नहीं तो अगर समय रहता तो शायद वो भी हो जाता। 85 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स देंगे तो उसमें आप बड़ा फास्ट करेंगे या पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे? हाँ, ये तो है कि समय जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो फ्रिक्वेंसी वो मेरी बढ़ेगी, और सबसे ज़रूरी यही है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हो, और इसी में हम लोग का मात खा जाते हैं जो भी है। तो मेरा कहना यही रहेगा कि ठीक था, अच्छा था, पहली बार हम ऐसा पेपर दिए हैं तो अच्छा लगा है। आपने दोनों दिए थे, यूपीपीसीएस वाला और यूपीएससी का, या फिर एक ही दिया? मल्ली यूपीसीएस का था। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह पहले दिया? अभी नहीं, अभी कोई अटेम्प्ट नहीं है। हमारी घर से तैयारी हो रही थी, जस्ट 2 महीने हुए आए हमको दिल्ली में, तो बस यही जो भी ये दिए हैं अभी तक का, ये मेरा पहला था। कहाँ से आए हैं आप जी? कहाँ से आए हैं? कुशीनगर। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके के टेस्ट जैसे कि आज हुआ है, नोटबुक आईएएस ने कराया, इस तरीके के टेस्ट देने से कहीं ना कहीं आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी? हाँ, या नहीं है प्रैक्टिस, जैसे होता है कि क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, हाँ इस टॉपिक से यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मतलब पेपर देने से तो बहुत फ़ायदा होता है, इस टॉपिक से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो लेवल पता चलता है, और अपना भी और जो पेपर का लेवल है वो भी। आपसे कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए गए नोटबुक के द्वारा जी? इन्होंने ये कंडक्ट कराया, उन्होंने कुछ पेमेंट वगैरह तो नहीं लिया स्टूडेंट से? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फ्री था ये सब कुछ। ओके, थैंक यू। आप भी देख करके आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 90+ किए हूँ। क्वेश्चन कैसे थे? बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं अच्छे थे, जिस लेवल के होने चाहिए वैसे ही थे, आप बताइए, आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा था, लग रहा था आयोग का पेपर दे रहे हैं, और एकदम आयोग की फीलिंग आ रही थी। पेपर बहुत अच्छे थे, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, और बहुत डाइवर्सिटी था क्वेश्चन में, सारे सेक्टर से उठे थे, और पेपर बहुत अच्छा था। कितने बजे आप आ गए थे? हम 5:20 पे आ गए थे। कितने घंटे लगभग चला है ये? 5:30 के पहले पेपर ले छीन लिया गया, OMR सीट ले लिया गया। आपने कोई और पहले अटेम्प्ट वगैरह दिया है? इससे पहले स्टेट का दिया हूँ, UPBCS का। तो आपको लगा कि उस तरीके से ही है या फिर सेम ही लगा? उससे एकदम सेम लग ही रहा था, आयोग का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और समय भी जो है कम रहता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और IAS ने आप लोगों से कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया ये टेस्ट देने के लिए? सर नोटबुक IAS ने ये कराया है, आप लोगों से पैसे तो नहीं लिए?
नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छा था पेपर, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, एकदम आयोग जैसा पेपर बना था ये। अगर ऐसा पेपर आगे कराएं तो फिर छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। हाँ हाँ टेस्ट दिए हैं। क्या आपका अनुभव रहा है? मुझे लगता है कि सबसे सीनियर आप ही हैं। टेस्ट इसीलिए दिया जाता है कि जो गलतियाँ दूर किया जाए, पेपर के समय हम वो गलती ना दूर आए। तो नो डाउट टेस्ट हर सेक्टर से आया था, हर क्वेश्चन को टच किया गया था। उससे क्या है कि जहाँ जहाँ हम लोग तैयारी करने के दौरान छोड़ देते हैं जिस पॉइंट को, या तो ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको रिवीजन नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बाद में रिवीजन करके चले जाएंगे, वो चीज़ें अगर 2 महीना पहले से ही होती रहेंगी तो आप नो डाउट परीक्षा हाल में अच्छा प्रबंध करेंगे। यही अटैम्प्ट। आपने भी कई अटैम्प्ट दिए हैं क्या भैया? पहले दे ही रहे हैं, इसमें तो अटैम्प्ट गिना नहीं जाता है पीसीएस में ना, यूपीएससी में गिना जाता है। वैकल्पिक विषय शायद इसमें से हट गया है, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, स्टूडेंट का फ़ायदा होगा? देखिए अब वैकल्पिक विषय हटने से फ़ायदा भी है नुकसान भी है। इसमें यह है कि हिंदी मीडियम के लिए फ़ायदा है, क्यों? वो लोग सोचते थे कि सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए कि जो मानविकी हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, साइंस बैकग्राउंड के लिए ये होता है कि उस विषय में 400 का नंबर है, 400 मार्क है, तो उसमें से 350 पा जा रहे हैं, और मानविकी में आप बहुत अच्छा करके जाएंगे तभी 250 पाएंगे। तो जो 100 नंबर का जो गैप है उस गैप को फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं जैसे हम जैसे लोग हैं, उनके लिए क्या है कि न्यू कमर जो आएगा वो भी 5वां 6वां पेपर तैयार करके सेम कैटेगरी में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है और कोई बात नहीं, चेंज होता है तो उसको चेंज को स्वीकार करना चाहिए और सबके लिए वो। लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा, नोटबुक आईएएस की क्या ये पहल सही है छात्रों की? बहुत अच्छी पहल है, टेस्ट के रूप में जो किया जा रहा है हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए, नो डाउट इस बेल्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, नेहरू विहार मुखर्जी नगर के लिए कि एक अच्छी पहल है, बेहतर क्वेश्चन डाला जा रहा है। ये नहीं कि पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन को ही डाले, पीवाईक्यू तो स्टूडेंट वहाँ से देख लेगा जो पीवाईक्यू ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन जो टेस्ट हो रहा है इस समय, जो टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम उन गलतियों को न धो रहे हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं, या तो ऐसे खतरे के लिए तैयार रहें जो हमारे पास एक बैग से आएगा, उस खतरे के हम मतलब कि आसानी से फेस कर सकते हैं। तो ऐसे जब रहेगा, टफ पेपर भी रहेगा, आसान पेपर भी रहेगा, क्वेश्चन हर लेवल के रहेंगे, तो हमारे लिए बेहतर होगा, स्टूडेंट के लिए बेहतर। थैंक यू भैया। दोस्तों नोट्सबुक आईएएस की यहाँ पे टीम भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आज यहाँ पे कितने स्टूडेंट आए थे, और अभी कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है? हिमांशी आनंद। हिमांशी जी, यहाँ पे लगभग आज कितने स्टूडेंट आए थे? 250 बंदे आए थे। यूपीएससी का भी पेपर कराया गया था, स्टेट पीसीएस का भी कराया गया था, और जो अभी न्यू ब्रांच अभी इसका स्टार्ट वगैरह किया है तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, और अच्छा भी गया है पेपर। टीम के लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, स्टूडेंट्स लोग ने भी बहुत अच्छा बताया है उन लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा गया है। आपकी टीम यहाँ पे लगभग कितने बजे आ गई थी? सुबह 8 बजे से टीम स्टार्ट थी सर, और 12 बजे से पेपर स्टार्ट था, तो कल रात से परसों कोई भी सोया हुआ नहीं, टीम ने बहुत ही मेहनत की, और बाकी सब लोगों ने आपने देखा ही होगा कितने टीम के बंदे थे हम लोगों के। थैंक यू।